चलिए यहाँ की स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर देर किस बात की? Let's get started. फ्रेंड्स, भीड़ देख के तो आपको अंदाजा आ गया होगा कि ये मार्केट कितना फेमस है और बड़ा भी। पूरे मेघालय में यहीं से सामान जाता है, यानी कि पुलिस बाजार शिलोंग से। फ्रेंड्स, इस मार्केट में अगर एक तरफ आपको ब्रांडेड शोरूम मिलेगा तो दूसरी तरफ लोकल मार्केट भी दिखेगा। गाइज, आपको यहाँ पे एक से एक वुडन का वर्क मिलेगा, प्लस हैंडमेड क्राफ्ट भी आपको एक से एक मिल जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये मुंबई के मुकाबले बहुत सस्ता है, मगर फिर भी आप बार्गेनिंग करना मत भूलिएगा। अच्छा, कोई भी उठा 200? यस। गाइस, यहाँ पे गर्म कपड़े भी एक से एक है। ये बैम्बू शूट का पिकल है। यहाँ बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी आपको पिकल की, साथ ही यहाँ पे फ्रूट्स की भी बहुत वैरायटीज है। यहाँ पे कट करके भी रखा है तो आप खा सकते हैं। कुछ फ्रूट्स तो ऐसे थे जो मैंने पहली बार देखा। पैशन फ्रूट है। कैसा है? बहुत ही टेस्टी है। फर्स्ट टाइम है तो एक खा के देख सकते हैं। गाइस, आपको ऐसे वुडन के मिनिएचर्स भी मिल जाएंगे जो शायद आपको कहीं और ना मिले, तो मेक श्योर आप ऐसे वुडन के सुविनियर्स जरूर लीजिएगा यहाँ से। ₹100 में? हाँ, वुलन क्लोथ्स है। नाइस। ओह, ये तो नहीं, बहुत सारे कलर्स हैं। कोई भी लो 100 में? हाँ, कोई भी लो 100 रुपीज। साइज तो अलग अलग है मैडम। कितने का है भाई? 300 का है। मैंने भी एक ऐसा जैकेट लिया है। एक्चुअली मुझे लगा था कि ज़्यादा ठंड नहीं होगी, इसलिए मैं जैकेट लाया नहीं, बट आई वॉज रॉन्ग। तो ऐसा जैकेट ले लिया है, ये अंदर से ऐसा गर्म है और बाहर से एकदम कूल सी शर्ट के जैसा है। और मैंने लंबा ही लिया है, बड़ा ही लिया है, ताकि ये सब भी अंदर अच्छे से आ जाए, और सिर्फ 300 रुपये में। गाइज, यहाँ पे जूते एक से एक मिल जाएंगे। 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, 350, 500 ऐसा जाता है। इनफैक्ट आपको एक से एक ब्रांड के फर्स्ट कॉपी भी मिल जाएंगे जो करीब 500 से स्टार्ट होते हैं, तो वो भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और भी एक्सेसरीज मिल जाएंगी जैसे ईयरिंग वगैरह। गाइस, यहाँ पे ऊपर भी दुकानें होती है, नीचे भी होती है, सब जगह आपको दुकानें मिलेंगी। गाइस, यहाँ पे ऐसी खासी एम्पोरियम भी है जहाँ पे आपको वुडन वर्क, हैंड वर्क बहुत अच्छे मिल जाएंगे, हैंडमेड चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाएंगी। यहाँ पूरा शॉप है, वुडन वर्क बहुत बढ़िया बनाया हुआ है यहाँ पे, सभी तरीके का, प्लस हाथ से की हुई कारीगरी भी बहुत अच्छी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ये जो पर्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, हैंडमेड बास्केट है, सब हैंडमेड है। अंदर और भी है, चलिए दिखाता हूँ। हाँ, हैंडीक्राफ्ट की बहुत अच्छी है। गाइस, सुविनियर्स के तौर पे आप ये सब भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये सुविनियर्स के तौर पे आप लेके जा सकते हैं शोकेस वगैरह में सजाने के लिए। तो यादगार के तौर पे भी आप यहाँ से बहुत कुछ ले सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश गिरती है तो उसके लिए भी यहाँ पे इंतज़ाम है। आपको बहुत सारे छाते यहाँ पे मिल जाएंगे। ये हमारे अंकल हैं, इनसे लीजिएगा, एक से बढ़कर एक छाते मिल जाएंगे। फिर चाहे छोटा बोलिए, सबसे छोटा बोलिए, फिर सबसे बड़ा बोलिए, जो भी चाहिए, यू नेम इट दे हैव इट। डबल लेयर
और बरसात दोनों में काम। महामी मिर्ची अलग अलग वैरायटी की मिर्ची है। ये बहुत छलके है, इसका डल्ले क्या नाम है? डल्ले डल्ले डल्ले। ये कितने करके है? 10 रुपये का 6 पीस। 10 रुपये का 6 पीस है। हाँ। इनका सबसे तीखा वाला कौन सा है? सबसे स्पाइसी। सबसे तीखा ये वाला लाल वाला, यही है राजा मिर्ची। किंग चिली। किंग चिली यही है। गाइस यहाँ पे आपको और भी नूडल्स मिल जाएंगे। ये 2x स्पाइसी चैलेंज हमने भी लिया था, उसके अलावा भी यहाँ पे अलग अलग नूडल्स हैं। प्लस यहाँ पे आपको पोर्क चटनी, चिकन चटनी ये वो सब भी मिल जाएंगी। और बाकी लोग मसाले भी रखते हैं, चॉकलेट्स वगैरह भी हैं। प्लस इस तरीके के नूडल्स या फिर आप चाउमीन के साथ नहीं रखा हुआ है। शिलोंग आ रहे हैं तो आप हैंडक्राफ्ट की चीज़ें ज़रूर लीजिएगा, स्पेशली पुलिस बाजार से ये शॉप है। यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, देखिए रीजनेबल प्राइस में। फ्रेंड्स अपने आंखों के सामने ये हैंडमेड वुडन काम जो वो कर रहे हैं, इसका एक्सपीरियंस ही कुछ और है। आप चाहें तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं इनको रिक्वेस्ट करके। साथ ही जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्स की तो वैरायटीज है, ये सब बांस यानी कि बैम्बू से बना हुआ है और ये सभी चीजें हैंडमेड है। साथ ही यहाँ पे सुवीनियर्स है, डॉग्स हैं, क्लॉक्स हैं, यहाँ पे काफी कलरफुल और क्यूट से कीचेन्स भी थे, गिफ्ट बॉक्सेस हैं, एक्सेसरीज हैं, ज्वेलरीज हैं। इनफैक्ट यहाँ पे नागालैंड के शॉल्स भी हैं और उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी। आपको जो भी चाहिए वो यहाँ आपको मिल जाएगा, यू नेम इट एंड दे हैव इट। राइनो यानी कि गेंडा, ये यहाँ का सबसे फेमस जानवर है, तो उसके भी सुवीनियर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इनकी लोकल कारीगरी को जरूर सपोर्ट करें। रिसेंटली हमने मेघालय हॉल के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिटेल्स में बताया था कि आपको मेघालय से क्या लाना चाहिए, फिर चाहे वो सुवीनियर्स हो, फूड आइटम हो, मसाला हो, जो भी मेघालय में फेमस है और जो आपको लाना चाहिए वो सब हमने उसमें बताया। तो आप आई बटन पे क्लिक कर देख सकते हैं। ये भाई से हमने लिया है। ये जो पुलिस बाजार है ये 8 बजे के बाद बंद होने लगता है, मैक्सिमम 9 o'clock तक ये चालू रहता है, उसके बाद तो कम्प्लीटली ये शट डाउन हो जाता है। ये देखिए पीछे पूरे शटर्स लग चुके हैं और ये जो पूरे शॉप्स हैं ये सब भी उठ रहे हैं। मेरे पीछे सेंटर पॉइंट है और यहाँ पे मारवा जस्ट इसके ऑपोजिट में आपको लाइन से सारे स्ट्रीट फूड मिल जाएंगे। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और साथ ही इसे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के नए वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है जहां हम हमारे चैनल से रिलेटेड बहुत सी न्यू अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप हमें उस पर भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो, खुश रहने दो, प्रेज द लॉर्ड, बाय।